हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ छाया और मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज हम काढ़ा प्रसाद बनाएंगे। इसे गुरुद्वारे में आप सभी लोगों ने खाया होगा। इसे नवरात्रि में अष्टमी पर माता के भोग के लिए भी बनाया जाता है। इस प्रसाद को तैयार करना बहुत ही आसान है। इस प्रसाद में शुद्ध देसी घी का ही अपना एक फ्लेवर और टेस्ट आता है। इसमें हमें कोई भी ड्राई फ्रूट या इलायची पाउडर की आवश्यकता नहीं होती। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। कड़ा प्रसाद बनाने के लिए सबसे पहले हम चीनी और पानी का घोल तैयार करेंगे। तो हम गैस ऑन करके एक पैन में डालेंगे एक कप चीनी, दो कप पानी, अब हम चीनी और पानी को केवल इसे घुलने तक पकाएंगे। हमें इसकी चाशनी नहीं बनानी है, केवल चीनी पानी में घुल जाए और एक उबाल आ जाए और हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। चीनी हमारी पानी में अच्छे से घुल गई है और इसमें एक उबाल भी आ गया है, तो अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसे अलग रख देंगे। अब हम गैस की फ्लेम ऑन करेंगे और पैन में डालेंगे एक कप घी। घी को मेल्ट होने देंगे। घी मेल्ट हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे एक कप गेहूं का हल्का दरदरा आटा। ये चक्की में पिसा हुआ आटा है। अगर आपके पास ये आटा नहीं है तो आप मार्केट के पैकेट के आटे का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम आटे को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हमें इसे जब तक भूनना है जब तक कि आटे का कलर गोल्डन ब्राउन कलर का नहीं हो जाता। इसे हमें लगातार हिलाते रहना है। इसमें सबसे ज़्यादा मेन जो चीज़ है वो है आटे की भुनाई। आटे को आप बहुत ही अच्छे से मीडियम टू लो फ्लेम पर भूनें जब तक कि आटा गोल्डन ब्राउन कलर का नहीं हो जाता, और इसे लगातार आप हिलाते रहें। कड़ा प्रसाद में ड्राई फ्रूट और इलायची पाउडर का यूज़ नहीं किया जाता है। प्रसाद सिंपल ही बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर आप चाहें तो इसमें इलायची पाउडर और अपने पसंद के अनुसार ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं। आटा गोल्डन ब्राउन कलर का हो गया है, तो अब हम इसमें डालेंगे चीनी वाला पानी। तो हमें एक साथ पूरा पानी डाल देना है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। शुरू शुरू में हमें पानी थोड़ा ज़्यादा लगेगा, पर आटा धीरे धीरे सारा पानी सोख लेगा। आप देख सकते हैं कि हलवे में हमारा बहुत ही अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आया है, क्योंकि हमने आटे को बहुत ही अच्छे तरीके से घी में भुना था और आटे में हमने चीनी वाला पानी डाला था, वो भी आटे ने अच्छे से सोख लिया है। अब हमें इसे जब तक लो फ्लेम पर चलाना है जब तक कि इसमें जो घी डाला है वो साइड में नहीं दिखने लगता है। आप देख सकते हैं कि हलवे ने घी छोड़ दिया है, तो अब हम गैस की फ्लेम को बंद करेंगे और इसे एक सर्विंग बाउल में निकालेंगे। लीजिए तैयार है काढ़ा प्रसाद। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें, और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।